टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 4 दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी मनी हम बोरो करते हैं, अगर उसमें जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के पहले इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको एक्सप्लेन कर रही हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका टॉपिक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को शॉर्ट फॉर्म हम डिनोट करते हैं पी से। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट हम बोरो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे गिवन है। द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और द सम, इट इज डिनोटेड बाय द पी। जो भी मनी हम बोरो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सम। ठीक है, प्रिंसिपल बोल भी बोल सकते हैं और द सम भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी से। पी से डिनोट करते हैं, इसको हम सम भी बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकंड आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड एन इंटरेस्ट। जो भी जैसे सपोज मैंने 1000 रुपीज बोरो करे, ठीक है, तो 1000 रुपीज बोरो करे तो ये तो क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर उसके बाद जब उस मनी को रिटर्न करते हैं तो जो एडिशनल मनी, सपोज मैंने 1000 के ऊपर 100 रुपीज एक्स्ट्रा मनी दी, तो जो 100 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा मनी दी है वही उसका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, तो इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल कैपिटल आई से। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इट इज द डिनोटेड बाय अ आई। उसके बाद आता है अमाउंट, कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। अमाउंट इज द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर, दैट इज द सम अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टू बी लेंडर, इट इज डिनोटेड बाय ए। मतलब अमाउंट एक क्या होती है, टोटल मनी होती है। टोटल मनी कैसे होती है कि जैसे अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू, इसमें प्रिंसिपल भी आ जाता है और इंटरेस्ट भी आ जाता है। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों प्लस होके जो बनती है मनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट इज कॉल्ड द टोटल मनी। अमाउंट क्या होती है, टोटल मनी। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स होता है द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 फॉर वन ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। मतलब एक साल के लिए, वन ईयर के लिए 100 रुपीज पे जितना भी इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है टाइम। टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। द पीरियड आफ्टर विच द मनी इज टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड द टाइम। मतलब जिस टाइम पीरियड में हमको मनी रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट, जैसे मैंने 1000 रुपीज बोरो करे उसमें मैंने 100 रुपीज प्लस करके जितने टाइम में मैं उसको रिटर्न करूंगी, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका टाइम कहलाएगा कि जितने टाइम में वो मनी आपको रिटर्न की जाएगी। तो ये जितने प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट एंड टाइम, इन सबकी डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 20 पे दी गई, उसी में से आपको इसको राइट करना है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, वो यहाँ राइट कर दूंगी आपको। सिंपल इंटरेस्ट एसआई मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। उसके बाद इसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आप प्रिंसिपल भी निकालेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो आई मल्टीप्लाई 100, आई तो सभी में आएगा, आई ही सिंपल इंटरेस्ट है ना, मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, पी इंटू टी। टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। मतलब ये एक फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आई में 100 का मल्टीप्लाई आर इंटू आर निकालना, तो आई मल्टीप्लाई 100 टी इंटू टी,
टाइम निकालना होता है आई बटा 100 आर इंटू पी। ऐसे हम एक ही फॉर्मूले से सारे आंसर फाइंड आउट कर सकते। और एक फॉर्मूला मैंने आपको अमाउंट का बताया था कि अमाउंट फाइंड करना हो तो प्रिंसिपल में क्या प्लस कर दो, इंटरेस्ट फाइंड प्लस कर दो। और अगर इंटरेस्ट फाइंड करना अमाउंट से तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दो, माइनस कर दो। अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करते हैं। पेज नंबर 22 ओपन करिए आप। पेज नंबर 22 पर डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले जो ओरली पार्ट है वो आपको करना है, प्रिंसिपल अमाउंट रेट सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड टाइम, ये सबको डिफाइन करना है। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपके बुक के पेज नंबर 20 पे गिवन है सारी डेफिनेशन, वो आपको राइट करनी है। से द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूले में ऑलरेडी आपको लिखा चुकी हूँ। सबसे पहले अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल का, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर टाइम का, ये सारे फॉर्मूले आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके राइट। ओके, देन फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट वेन। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये तीनों फाइंड होना चाहिए। ये तीनों आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। प्रिंसिपल लिखता है आपका रुपीज 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, टाइम कितना है आपका 2 years। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा ही थे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमने फॉर्मूला राइट कर लिया, पी कितना है आपका 5000, आर कितना है 5, टाइम कितना है 2, डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगी, कैंसल, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 50 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका रुपीज 500, ये आपका आंसर है। ठीक है, 500 आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं ना थी तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें भी आपको यही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको यही फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 1500, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 years। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम 3 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगी, कैंसल, 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12, 5 जा 60 का 0 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 6 18, 180 मल्टीप्लाई 3, 18 3 जा कितने होंगे 54, 540 रुपीज। कितना आंसर आ गया आपका 540 रुपीज, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो दो क्वेश्चन है रिमेनिंग, जो क्वेश्चन है टू,
सेकंड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपको करना है, फर्स्ट सेकंड में आपको करना चाहिए। ओके, थैंक्स।